हमने कहा रुक जाओ मम्मी आप मत जाओ इस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीपालिता। आप सब कैसे हो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। हम लोग भी भगवान की कृपा से अच्छे हैं। और आज है थर्सडे, मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हम लोग चेन्नई से संडे को रात 9:30 बजे के करीब घर आ गए थे और मंडे को बहुत ज़्यादा लेजी लग रहा था तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। ट्यूज़डे को मम्मी पापा का कोलकाता जाने का रिजर्वेशन था, टिकट था, तो मम्मी पापा चले जाने वाले थे बट मम्मी रुक गई। क्यों रुकी वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। एक्चुअली ट्यूसडे को मम्मी पापा का रिजर्वेशन था बट वो भी वेटिंग था, कंफर्म नहीं था क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में मम्मी पापा ने टिकट करवाया था तो इसलिए वेटिंग चल रहा था। रिटर्न टिकट आने का जो था, मीन्स कोलकाता से यहाँ पे आने का, वो कंफर्म था बट यहाँ से जाने का कंफर्मेशन नहीं था। वेटिंग 34-35 ऐसा चल रहा था बट पापा ने कहा कि क्योंकि पापा अभी मीन्स एक्स आर्मी हैं और उसके बाद पापा को रेलवे में जॉब मिला है तो रेलवे में पापा टीटी है तो पापा ने कहा मैं मैनेज कर लूँगा, एक सीट तो मैनेज हो जाएगा, हम लोग मैनेज करके चले जाएंगे। बट मम्मी को मंडे शाम से मीन्स वोमिटिंग्स होना स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूसली 8 से 9 बार मम्मी ने वोमिटिंग किया। मीन्स पानी पी रही है वो भी वोमिट कर रही है, दवाई ले रही है वो भी वोमिट कर रही है। कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा वोमिट करने के बाद अगले दिन मम्मी पापा को 9:30 बजे निकल जाना था तो फिर ये देखकर हमने कहा रुक जाओ मम्मी आप मत जाओ इस हालत में। पापा ने भी कहा तुम्हें इस हालत में मैं नहीं लेके जा पाऊँगा क्योंकि ट्रेन में एक सीट मैं मैनेज करवा लूँगा बट ट्रेन में अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो तुम यहाँ पे रुको। पापा तो चले गए क्योंकि पापा का 9 तारीख से ऑफिस ज्वाइन था इसीलिए पापा चले गए हैं और मम्मी हमारे साथ रुकी है। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ मम्मी हमारे साथ रुकी है क्योंकि पापा मम्मी जब चेन्नई गए थे डॉक्टर दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने तभी पापा को कहा कि आप तेल मसाले कम खाया करो, मीन्स कम तेल में कम मसालों के साथ ऑलमोस्ट बॉयल्ड फूड खाने के लिए पापा को कहा था। और पापा का नी पेन भी है तो वहाँ पे जो पापा को ने डॉक्टर दिखाया था तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि पापा को नी रिप्लेसमेंट करवाने के लिए बट पापा ने वहाँ से नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाया क्योंकि पापा चाहते थे कि एक बार आर्मी हॉस्पिटल मीन्स कमांड हॉस्पिटल में पापा एक बार चेकअप करवा ले, वहाँ पर क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से पापा या फिर अपोलो से या फिर वहीं में कमांड हॉस्पिटल से या फिर कोई भी मीन्स कोलकाता के बेस्ट हॉस्पिटल से नी रिप्लेसमेंट करवा लेंगे। तो अभी मम्मी को पापा के साथ होना ज़्यादा ज़रूरी था हमारे साथ होने से, बट क्या करें मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई इसीलिए मम्मी हमारे साथ रुकी है। कोई नहीं, पापा ने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद आकर ले जाऊँगा क्योंकि अभी छुट्टी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पापा के लिए तो देखते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा चिंता बना रहेगा पापा के लिए और पापा ने प्रॉमिस भी किया है कि मैं ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाऊंगा, एकदम बॉयल्ड फूड ही खाऊंगा, मम्मी से प्रॉमिस किया है तो देखते हैं पापा भी वहाँ पे सही रहे। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और मम्मी को भी ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बना है ये सोयाबीन आलू के साथ चाउमीन। अभी मैं चलाऊंगी होइचोई में डाकघर और वही देखते देखते मम्मी और मैं ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि डाकघर थोड़ा सा हमने देखा था तो वही देखते देखते ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद बाकी सारा काम। अभी तुम कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ अभी। मम्मी ने करेला आलू मिर्ची ये सब काट के रखा है क्योंकि यहाँ पे बनेगा करेला आलू की एक सब्जी जो हम बंगाली लोग कहते हैं उच्चे आलू चौचुरी और उसमें पपीता भी डालेंगे मम्मी। हमारे घर में डेली कड़वा बनता ही है। कड़वा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट मम्मी को और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, या फिर ये करेला या फिर नीम पत्ता, पता नहीं क्यों खाते ये सब पर खाना पड़ेगा। और यहाँ परवल कल मैंने छील के रखा था, इसे अच्छे से वॉश करके फिर मम्मी बनाएंगी बादाम पोटल जो कि मेरा बहुत 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 फेवरेट है।
और बादाम पटोल की रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। काफ़ी दिनों के बाद टमाटर की चटनी खाने को मिलेगी मम्मी के हाथों की। वाह वाह, इट्स रेडी। नारियल पानी पी लो। तो स्कूल में कृष ने टी शर्ट भिगा दिया था, तो वो अभी किसी और का टी शर्ट पहन कर आया है घर। ये रहा बादाम पटोल, ये रहा उच्चे चचड़ी, उच्चे आलू चचड़ी चटनी, ये रहा उड़द की दाल। आदिकृष यहाँ पे खेल रहे हैं और पापा ना ये जो आप देख रहे हो ना ये ब्रिज जैसा कुछ बना कर गए हैं, क्योंकि कृष को ना ब्रिज के ऊपर से गाड़ी चलाना को बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्लाईवुड के जो पट्टे थे हमारे घर में ही थे, तो इसी चीज़ से ही पापा ने स्क्रू वगैरह लगा कर ब्रिज बना कर यहाँ पे फिक्स कर दिया है ताकि ये दोनों खेल सके। The next day. फ्राइडे और मैं ना कल व्लॉग करना भूल ही गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि मैं व्लॉग कर रही थी, तो उस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज से। तो चलिए देखते रहिए आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, मम्मी क्या क्या करने वाली है और क्या कुकिंग होने वाला है, सब देखते रहिए और बने रहिए इस व्लॉग में। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक फिलिंग तैयार की है, सैंडविच बनाऊँगी। तो ये है कैरेट मीन्स गाजर ग्रेट करके मैंने डाला है, थोड़े से कॉर्न चिली फ्लेक्स और मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा सा मेयोनीज नमक डाल के ये रेडी करा है। और ये अब मैं सैंडविच करके मम्मी और मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। फाइनली सब कुछ काम ख़त्म कर लिया है मैंने, मम्मी अभी कुकिंग कर रही है और मुझे अभी शैम्पू करने जाना है। और डॉक्टर ने एक्चुअली मेरा जो स्किन टाइप है, डॉक्टर ने और मुझे जो स्किन प्रॉब्लम्स हो रही थी उस बेसिस में मुझे कहा कि डॉक्टर ने कि मैं स्किन के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती हूँ बाहर का, लाइक जो भी डर्माटोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे वही मुझे यूज़ करना पड़ेगा।
सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर सकती हूँ, अदर कोई भी ब्रांड के मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर शैम्पू यूज़ नहीं कर सकती। तो मुझे ये एक बॉडी क्रीम दिया गया है वेन्यूशा मैक्स क्रीम बोलकर, और ये एक शैम्पू है, आप देख सकते हो नोबल सिटी बोलकर एक शैम्पू दिया गया है। तो इसकी क्वांटिटी आप समझ सकते हो 75 ml की क्वांटिटी है, और इतने लॉन्ग हेयर में ये शैम्पू आई थिंक एक ही वॉश में यूज़ हो जाएगा ऐसा लग रहा है। मैं आज फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करने वाली हूँ, और वीक में मुझे 3 days शैम्पू करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, क्योंकि ना ऐसे मीन्स फॉर्म करती हूँ ना तो ऐसे फ्लेक्स की तरह, मीन्स डैंड्रफ नहीं है, फ्लेक्स के जैसे वो गिरता है, तो उस वजह से ही शैम्पू रिकमेंड किया है। तो चलिए अभी मैं शावर लेकर आती हूँ, और मम्मी वहाँ पे कुकिंग कर रही है, ऑलमोस्ट सब काम ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। मम्मी बना रही है यहाँ पे चिकन करी, और आज हमारा सिंपल सा लंच होगा चिकन करी और राइस। आज भी बोल रही थी कि नीम पत्ता का एक भाजी बना देती हूँ या फिर करेला का एक भाजी बना देती हूँ। मैंने कहा आज छोड़ दो, आज एक दिन छुट्टी कर दो, तो इस वजह से मम्मी सिर्फ बस आज चिकन करी और राइस बनाने वाली है। राइस तो मैंने बना दिया ऑलरेडी, मम्मी अभी चिकन करी बनाने वाली है। आज कड़वा खाने से छुट्टी मिल गई, वाह वाह वाह। आस्ते आस्ते वेलकम बैक, गुड। ये तो गुस्सा कैनो देखी कोथाय लुकिए छे आर्यन, कोथाय है ताई तो वॉश करते होबे, तो शू रखो निजे जगह, शू टा रेखे दाओ। इतना गुस्सा नहीं करते बच्चा, छोटा बेबी तो है, बेबी क्राय करछे, कौन बेबी क्राय करछे, यू आर अ बिग बॉय, तो तुम्हें स्मॉल बेबी, कितना स्मॉल तुम्हें, बिग बॉय हो गया छो, तो आशो गर्मी हॉट चलो घरे, चलो फैनर नीचे बस पे, चलो गर्मी जूस खाबे, जूस खाए दा, तले दादा खाबे, तो दादा ब्लू कलर है, पर्पल दादा देखो कुकू डाक छे कू शिको ना कुकू किशोर टीवी नहीं भावे आदि फिनिश आम किंतु ने दिए दबो किंतु दाढ़ी काट भी कोबे दाढ़ी Thank you.
फोन। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।